मिर्जापुर में स्थित माँ विंध्या वासिनी के दरबार अब भक्तों के लिए खुल चुके हैं। रविवार को दोपहर 1:30 बजे आरती के बाद खोल दिए गए, जिसके बाद से अब माँ विंध्या वासिनी के दरबार में सभी लोग हाजिरी लगा सकेंगे। आपको बता दें कि यहाँ दूर दूर से लोग माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। पर इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है कि लोग दौड़े चले आते हैं, तो आज इस वीडियो में माँ विंध्या वासिनी मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य बताने वाले हैं। ये धाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी मिर्जापुर में स्थित है। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अपना महत्व है। पति ने कई हजार वर्ष तक घोर तपस्या की थी। इनके तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। आकर के फिर सभी लोग प्रार्थना किए और माता तभी से ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है। इनका जो स्वरूप है वो बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुंदर है, गौरवर्ण है और श्वेत वस्त्र धारण की हुई है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल ली हुई है और यह मनोहर रूप से भगवती अपने भक्तों का अपने भावों से सबका कल्याण करती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ के इस धाम की सबसे खास बात ये है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियाँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी जगह पर विंध्य पहाड़ी का धरती से मिलन होता है। माँ गंगा का तट इस तीर्थ स्थल को और भी ज्यादा मनोहर और पावन बना देता है। विंध्याचल शक्तिपीठ से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि 51 शक्तिपीठों में इसे सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए सुनते हैं माँ विंध्या वासिनी की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी विंध्याचल के लोगों की जुबानी। हम लोग छपरा विहार से आए हैं। हर साल 40 साल से हम लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो मनोकामना होता है वो पूरी माँ कर देती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार देवी दुर्गा ने सभी देवी देवताओं को बताया था कि वे नंद और यशोदा के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, ताकि वे सभी असुरों का नाश कर सके। अपने कहे अनुसार माता ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चूँकि इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए कंस ने एक एक कर अपनी बहन की सभी संतानों को मौत के घाट उतार दिया था। जब कंस को अपनी बहन के 8वीं संतान के जन्म के बारे में पता चला तो अपनी मौत हो जाने के डर से उस पुत्री को भी मारने चल दिया, और जैसे ही उसने देवी पर प्रहार किया देवी दुर्गा अपने असली रूप में आ गई। साथ ही कंस को इस बात की चेतावनी भी दी कि उसकी हत्या करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं तब से देवी विंध्या पर्वत पर ही निवास करती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।